सिटी जर्नलिस्ट की खास पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा जॉनसन एंड जॉनसन PNG LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर गेटेड कम्युनिटी स्पॉट रजिस्ट्रेशन। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। मेरा नाम गिरिधर नायक है, यहाँ पे BRS पार्टी से कंटेस्टेड कारपोरेटर हूँ। आज ये हमारे रविंदर नायक नगर कॉलोनी जो ट्राइब कॉलोनी है वहाँ से ट्राइब वुमेन यहाँ पे डिलीवरी के वास्ते आए। डिलीवरी के वास्ते आए तो डॉक्टर्स चेकअप करके उनको शाम का 8:30 को डिलीवरी का प्रोसेस करे, लेकिन डॉक्टर्स डिलीवरी का टाइम पे कोई नहीं थे, सिर्फ एक नर्स और 2 आया वो लोग मिलके डिलीवरी करे तो मर्द बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ। एक आधी घंटे के बाद में वो लोग बच्चे का पल्स नहीं है, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, एक घंटे तक कुछ भी नहीं बोले वो लोग, और सीधा यहाँ से नीलोफर को भेज दिए शिफ्ट करे। नीलोफर को लेके गए तो वहाँ पे बच्चा लाश बन के फिर रिटर्न आना पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ ये हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही। ये बड़े डॉक्टर्स जितने भी है यहाँ पे चेकिंग को नहीं आ रहे, ये नहीं आने की वजह से ये जो नॉर्मल नर्स और जो आया रहते अंदर वार्ड आया वो ये लोग नाइट टाइम में डिलीवरी कर रहे। ये डिलीवरी करने के वास्ते अब ये रिजल्ट जो है ये बच्चे पैदा होके यहाँ पे मर जा रहे, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम हो रहा कैसा करना क्या करना। अभी ड्यूटी डॉक्टर्स जब प्रेग्नेंट वुमेन जब हॉस्पिटल में इन पेशेंट हो रहे एडमिट हो रहे तो ड्यूटी डॉक्टर में कम से कम एक दो डॉक्टर तो भी रहना, 2 डॉक्टर पूरे वगैरह पूरा सही कर लिए तो एलान करना, नहीं है नहीं तो ये लोग बाहर शिफ्ट कर देना, दूसरे हॉस्पिटल को रिफर कर देना। लेकिन ये लोग नर्स और आया के हाथ से करा के आज एक मर्द बच्चे को आज ये लोग लाश बना के दे दिए। ये हम गवर्नमेंट से अपील करते कि ये ऐसा ये वाक्य आइंदा ना पेश आए, और गरीबों से अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गरीब इंसान ही चाहते डिलीवरीज को आते, ये डिलीवरर्स को यहाँ पे आए तो ये लाश बना के भेज दे रहे। हम घामा को ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे भरोसा नहीं है और ये गवर्नमेंट पे भी हमारे भरोसा नहीं है। ये हमारे बच्चों को ऐसा लाए तो ये हाल कर रहे हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी के वास्ते अभी हम डिमांड कर रहे हैं। ये पेशेंट नेम क्या है और ये पेशेंट का ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है? ये पेशेंट स्टार्टिंग से यहाँ गवर्नमेंट कार्ड लिए बोला, रोज रोज बोल तो हफ्ता हफ्ता और मंथली उनको टैबलेट्स दे रहे, स्कैनिंग कर रहे कि कल तक भी उनका स्कैनिंग हुआ, बच्चा हेल्दी है बोले, उनकी अम्मी भी हेल्दी है बोले, ठीक है डिलीवरी आप कर सकते ला लीजिए बोल के आज का डेट दिए। फिर वो डेट पे यहाँ आए तो ये वाकया पेश आया। तो कहाँ गलती दिख रही है आपको? ये देखो ये डॉक्टरों की गलती है, ये गलती किस वजह से है कि जो भी यहाँ पूछने वाले आदमियाँ नहीं है, क्योंकि अभी आया वार्ड आया और नर्स मिलके वहाँ पे डिलीवरी कर रहे, जहाँ पे डॉक्टर ठहर के करना उन्होंने जाके घर पे सो गए। अभी ऐसा इंसिडेंट हुआ बोल के हम फोन करे तो कम से कम उन्होंने लाइन पे भी आने के वास्ते रेडी नहीं है। वो तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, डॉक्टर नहीं थे अभी तक, एक डॉक्टर भी नहीं आया, ये कैसा हुआ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। पिंकी है, पेशेंट का नेम नेनावत पिंकी है, यहाँ RN कॉलोनी में रहते, ट्राइब वुमेन है, ST लंबाड़ा कैटेगरी से है, गरीब और गरीब घर से है वो लोग। किसी बड़े की जिम्मेदारों से आप लोगों की बात? हाँ, यहाँ पे बड़े को उनसे बात हुई, वो लोग ये बोल रहे कि देखो भाई हम ना कल सुबह में आएंगे, कल सुबह में आपसे बात करेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रही है? अभी इसकी जिम्मेदारी अब तक कौन ले रहे ये कुछ भी नहीं मालूम हो रहा। अब उन लोगों से बात करिए, मैडम आप आइए, सर आप आइए बोल के हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे, कौन भी नहीं आ रहे हॉस्पिटल में जाके देखे तो खाली नर्स और आया के अलावा और दूसरे कोई भी नहीं है, नाइट ड्यूटी के ऑफिसर नहीं है, कौन भी नहीं है अभी अंदर जाके। ये इसकी कंप्लीट अभी हम पुलिस से दे रहे हैं, उन लोगों का डायरी रजिस्टर वगैरह जो भी है वो सीज करना है, क्योंकि उसमें कौन थे नाइट डॉक्टर क्या है उनका पूरा सीज करने के वास्ते हम डिमांड कर रहे हैं यहाँ से। पुलिस स्टेशन में ये फलकनामा पुलिस स्टेशन। पेशेंट का कंडीशन कैसा है? अभी पेशेंट का कंडीशन जो ये है अब उनको नहीं मालूम कि अभी ये हुआ बोल के अब उन्होंने डिलीवरी हुआ अभी उन्होंने अनकॉन्शियस ही है।